हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हॉटरे का व्यापार चक्र सिद्धांत। हॉटरे ने, जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, आरजी हॉटरे, उन्होंने विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है, यानी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन है। क्या कहा है हॉटरे ने कहा है कि व्यापार चक्र एक विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटना है। यानी व्यापार चक्र किस कारण आता है? व्यापार चक्र का प्रमुख कारण है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। यानी मुद्रा की मात्रा में जब परिवर्तन होता है, तब अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र तेजी या मंदी आती है। हॉटरे का मानना है कि मुद्रा के मात्रा या प्रवाह में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? बैंक की साख या बैंक जो ऋण प्रदान करती है उस पर निर्भर करती है। यदि साख का विस्तार होता है तो यदि बैंक साख का विस्तार करना चाहती है तो अर्थव्यवस्था में विस्तार या समृद्धि आती है। यदि बैंक साख का संकुचन करती है तो अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉटरे क्या मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है और व्यापार चक्र में मौद्रिक घटना है और व्यापार चक्र का प्रमुख क्या कारण है? मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन क्यों उत्पन्न होता है? मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न होता है बैंक साख में परिवर्तन से। बैंक साख यानी जो बैंक ऋण देती है उसकी मात्रा में परिवर्तन से। अब हम हॉटरे के सिद्धांत को समझने से पहले कुछ बिंदुओं को जान लें। सबसे पहले हम देखेंगे बैंकों के नगद जमा कोष। हॉटरे का सिद्धांत को हम समझने से पहले तीन बिंदुओं को देखेंगे। उसमें सबसे पहले है बैंकों के नगद जमा कोष। यदि बैंकों के पास नगद जमा कोष यानी जो बैंकों के पास ग्राहक अपने नगद रुपये जमा करते हैं, वो जमा कोष बहुत अधिक है, तो क्या करेगी बैंक? सरल रणनीति अपनाती है। इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में ऋण बढ़ेगा, साख का विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था में समृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं यदि बैंकों के पास नगद जमा कोष बहुत ही कम है, तो इससे क्या होगा? बैंक कठोर रणनीति अपनाती है और अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन होता है। और इन नगद जमा कोषों के द्वारा जो साख का विस्तार और संकुचन होता है, उसे ही हॉटरे ने क्या कहा है? व्यापार चक्र। क्या कहा है व्यापार चक्र ने? अर्थव्यवस्था में जो नगद कोषों के द्वारा साख का विस्तार और संकुचन होता है, वही व्यापार चक्र है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है? दूसरे उनका बिंदु है मुद्रा का प्रवाह। मुद्रा का प्रवाह परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था में कुल व्यय की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। हॉटरे क्या मानते हैं? यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तो उससे कुल व्यय की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। हॉटरे ने इसको समझाने के लिए फिशर के समीकरण का प्रयोग किया है, MB = PT। इसमें MB मुद्रा की पूर्ति को बताता है और PT मुद्रा की मांग को बता रहा है। तीसरा उन्होंने लिया है ब्याज की दर। हॉटरे मानकर ये चलते हैं कि ब्याज की दर के प्रति व्यापारी वर्ग बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ब्याज दर कम होने पर उद्योगपति व्यापारी वर्ग यानी जो उत्पादक वर्ग है, वो मुद्रा की अधिक मांग करते हैं। वहीं ब्याज दर अधिक होने पर उद्योगपति या व्यापारी वर्ग ब्याज की कम मांग करते हैं। अब हम देखेंगे व्यापार चक्र की अवस्थाएं हॉटरे के अनुसार। सबसे पहले हम देखेंगे समृद्धि या विस्तार। हॉटरे मान के चलते हैं कि बैंकों द्वारा जब सरल रणनीति अपनाई जाती है, तो साख का विस्तार किया जाता है। क्या कहते हैं हॉटरे? यदि अर्थव्यवस्था में बैंकों द्वारा सरल रणनीति अपनाई जाती है, तो इससे क्या होगा? साख का विस्तार होगा, लोग अधिक से अधिक ऋण लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होती है? ब्याज की दर कम होती है। ब्याज की दर कम होने से क्या होते हैं? लोग अधिक ऋण लेते हैं, अपने पास पैसा नगद रूप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं।
इसलिए मुद्रा का प्रभाव अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण कुल व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। व्यापारिक वर्ग भी क्या होता है, हम जानते हैं व्यापारिक वर्ग ब्याज दर के प्रति संवेदनशील होता है, तो ब्याज दर अगर कम होती है तो व्यापारिक वर्ग क्या करते हैं, अधिक से अधिक निवेश करते हैं वस्तु, और वो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिक स्टॉक अपने पास रखने लगते हैं। इससे क्या होता है, अधिक से अधिक स्टॉक इकट्ठा करने के लिए वो क्या करने लगते हैं, ऋण की मांग करने लगते हैं। हमने क्या देखा, अगर बैंकों की जमा कोष बहुत अधिक है तो सरल साख विस्तार अपनाया जाता है जिसमें ब्याज दर कम रहती है। ब्याज दर कम होने के कारण व्यापारिक वर्ग क्या करते हैं, अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं के अपने पास स्टॉक इकट्ठा करने लगते हैं, जिससे ऋण की मांग बढ़ती है। ऋण की मांग बढ़ने से मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है। मुद्रा की प्रवाह बढ़ने से वस्तुओं की मांग बहुत अधिक होने लगती है, जिससे उत्पादन, रोजगार, आय सभी में वृद्धि होने लगती है और अर्थव्यवस्था में समृद्धि या विस्तार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः हॉटरी क्या मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो भी विस्तार या समृद्धि आ रही है उसका प्रमुख कारण क्या है, साख का विस्तार। दूसरा देखेंगे व्यापार चक्र की दूसरी अवस्था को कैसे उन्होंने स्पष्ट किया है। दूसरी अवस्था सुस्ती एवं प्रतिसाद। साख विस्तार रुकने से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जब साख विस्तार होने लगता है तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बैंकों के पास क्या होते हैं, नगद कोष कम होने लगते हैं। साख विस्तार की नीति के फलस्वरूप क्या हुआ, कम ब्याज दर पर बैंक ऋण लोन देने लगा। इससे क्या हुआ, बैंकों के पास नगद कोष क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कम होने से क्या हो जाता है, वो अपनी निम्नतम स्तर पर आ जाते हैं। जब नगद कोष, बैंकों के जो जमा कोष है, नगद कोष है, वो अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंकों की जो स्थिति है वो खराब होने लगती है। जब बैंकों की स्थिति खराब होती है तो बैंक अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए क्या करते हैं, कठोर ऋण नीति को अपनाते हैं। कठोर ऋण नीति के अपनाने के लिए वो क्या करते हैं, ब्याज की दर को अधिक कर देते हैं। और हम जानते हैं कि जो व्यापारिक वर्ग है वो ब्याज के प्रति संवेदनशील होता है। इधर ब्याज की दर अधिक होने से क्या होते हैं, व्यापारिक वर्ग ऋण वापसी के लिए उन पर दबाव बनने लगता है, साथ ही वो अब कम निवेश भी करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, इसलिए अपने ऋण को वापस करने के लिए जो व्यापारिक वर्ग अपने पास जो स्टॉक रखे हैं वस्तुओं का जो स्टॉक रखे रहते हैं उनका विक्रय करने लगते हैं अधिक से अधिक। अधिक से अधिक विक्रय करने के कारण क्या होती है, जो कीमतें होती हैं वस्तुओं की, जो कीमतें होती हैं वो क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। वस्तुओं की कीमतें कम होने से लाभ कम होने लगता है। लाभ कम होने से लोगों का क्या होता है, निवेश कम होता है, उत्पादन कम होने लगता है। उत्पादन कम होने से रोजगार कम होने लगती है। रोजगार कम होने से आय कम होने लगता है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मंदी या सुस्ती की स्थिति में या प्रतिसार की स्थिति में जाने लगता है। अब हम देखेंगे मंदी या डिप्रेशन। जब बैंक द्वारा कठोर रणनीति अपनाई जाती है, बैंकों द्वारा जब कठोर रणनीति अपनाई जाती है, साख की मात्रा में अत्यधिक संकुचन से व्यापारी वर्ग से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होने लगती है। क्या होता है, जब बैंक मंदी स्थिति है, ऐसी स्थिति में उनके पास नगद जमा कोष बहुत कम हो गया है। अब बैंक भी कठोर रणनीति अपना रही है, इससे नया निवेश भी नहीं हो पा रहा है। अब साख की मात्रा में अत्यधिक कमी के कारण क्या होगा, व्यापारिक वर्ग ऋण प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यापारिक वर्ग वस्तुओं एवं सेवाओं की कम से कम अपने पास स्टॉक रखना चाहेंगे और कम से कम निवेश करना चाहेंगे। अर्थव्यवस्था में साख के संकुचन के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रवाह होता है वो भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, कुल व्यय पीटी वो भी कम हो जाती है, मुद्रा की मांग भी कम हो जाती है, जिससे वस्तु की कीमतें कम हो जाती है, लाभ और अधिक कम होने लगता है, उत्पादन और अधिक कम होने लगता है, फलस्वरूप रोजगार भी कम होने लगता है, आय भी कम होने लगता है। आय के कम होने से पुनः मांग और अधिक कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी अर्थव्यवस्था किस में चली गई, मंदी में। यह स्थिति कैसे आई, यह स्थिति आई जब बैंकों ने कठोर नीति अपनाई और साख की मात्रा में अत्यधिक संकुचन किया गया, जिसके कारण व्यापारिक वर्गों ने स्टॉक की कम मांग की। स्टॉक की कम मांग होने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हुआ। मुद्रा का प्रवाह कम होने से व्यय की मात्रा कम हुई।
वस्तुओं की कीमतें कम हुई, लाभ कम हुआ, उत्पादन, रोजगार, आय सभी कम होने लगे और अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है। हॉटरे इसी प्रकार हॉटरे बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में चौथी स्थिति जो उत्पन्न होती है व्यापार चक्र के कारण, वो क्या है? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान की स्थिति में मंदी काल में ऋणों की मांग कम होने से बैंकों के नगद कोष क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और जो पुराना ऋण दिया है उसकी भी रिकवरी होने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है? बैंकों के पास नगद कोष क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। बैंकों के पास जब नगद कोष बढ़ने लगते हैं तो क्या करता है बैंक? साख का विस्तार करता है। साख के विस्तार के लिए वो क्या करते हैं? ब्याज दर को कम कर देता है। ब्याज दर को कम करने से क्या होता है? हम जानते हैं कि जो व्यापारिक वर्ग होते हैं वो ब्याज दर के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दर को कम करती है तो बैंक दर कम हो जाती है। बैंकों के नगद कोष जमा अधिक होने के कारण बैंक दर जब कम होती है तो क्या होती है? ऋणों की मांग तेजी से किया जाने लगता है व्यापारियों द्वारा, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की प्रवाह बढ़ जाता है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुल व्यय भी बढ़ जाता है। कुल व्यय में बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ने लगती है। हम देख रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक ने बैंक दर को कम किया तो नगद कोष भी क्या हो गया, क्या हुआ? बैंकों में ऋण की मांग बहुत अधिक बढ़ गई। ऋण की मांग बढ़ने से क्या हुआ? मुद्रा की प्रवाह बढ़ गई। मुद्रा के प्रवाह बढ़ने से क्या हुआ? कुल व्यय बढ़ गया। कुल व्यय बढ़ने के फलस्वरूप मांग में वृद्धि होनी। जब मांग में वृद्धि होती है तो व्यापारी वर्ग और अधिक वस्तुओं के स्टॉक एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित होता है और वह उसकी मांग बढ़ाने लगता है। फलस्वरूप रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे आय में वृद्धि होती है। और पुनरुत्थान की ये क्रिया आगे इसी प्रकार चलती रहती है। यदि हमें मंदी से पुनरुत्थान की स्थिति में जाना है तो उदार नीति अपना कर ही कोई भी अर्थव्यवस्था इस स्थिति से उभर सकती है। इस प्रकार हॉटरे ने इन चारों व्यापार चक्र की जो भी अवस्थाएं उत्पन्न होती है उसका प्रमुख कारण क्या बताया है? मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। इसलिए हॉटरे के सिद्धांत को विशुद्ध मौद्रिक घटना भी कहा जाता है।